press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जी टीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य में जैसे कि अब तक आप सभी ने देखा कि प्रीता करण से मिलने जेल में जाती है और तब करण बताते हैं कि मायरा मर्डर नहीं कर सकती है, जिसके बाद प्रीता घर वापस लौट आती है और सृष्टि और समीर के साथ मिलकर अक्षय का मोबाइल ऑन करते हैं, जहां उस समय और प्रीता फिर से बकरा नंबर 3 पे फ़ोन लगाती है और तब उन्हें पता चलता है कि बकरा नंबर 3 और कोई ही नहीं बल्कि शर्लिन है। जहाँ शर्लिन के मोबाइल पे अक्षय का नंबर देखकर सभी ही काफ़ी ही शॉक हो जाते हैं। वहीं शर्लिन का सच जानने के लिए समीर प्रीता और सृष्टि को एक आइडिया देते हैं, जहाँ समीर कहते हैं कि उन्हें अननोन नंबर से कॉल करना चाहिए शर्लिन को और उसे सभी सच जानने की कोशिश करना होगा कि क्यों शर्लिन ने अक्षय को मारा। यहाँ एक तरफ प्रीता, सृष्टि और समीर शर्लिन का राज जानने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शर्लिन को एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि शर्लिन को ब्लैकमेल करता है, जहां वो शर्लिन से 50 लाख रुपया मांगता है। अब देखना यह है कि क्या प्रीता ने ही शर्लिन को कॉल किया है अननोन नंबर से या कोई और है जो कि शर्लिन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। वेल, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। टीवी सीरियल के और कई सारी जानकारियों के लिए देखते रहिए IWM बस सिर्फ यूट्यूब चैनल पर।